कि जनपद उधम सिंह नगर में दो अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटना आई है। सामने बता दें कि जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि चार घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का पहला मामला है, जहाँ पर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने मामूली विवाद में अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से आरोपी हो गया है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरा मामला सितारगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक ढाबे पर पार्टी कर रहे युवकों पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चारों को सितारगंज हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये आज रुद्रपुर में रायपुर इलाके में एक ताऊ ने अपने भतीजे को गोली मार दी। उनका कुछ विवाद चल रहा था बिजली के तार को लेकर के, उसके संबंध में उनमें आपसी विवाद हुआ और उसको गोली मार दी, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसकी मृत्यु हो गई है। 26 साल की उसकी उम्र थी लड़के की, और अभी जो ये इनका ताऊ है ये फरार है और इसकी खोज जारी है। तारगंज में कल रात एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी किसी होटल में, तो वहाँ पर एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। सत्येंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि वो उन्हीं का होटल था, उसमें जो गोली चलने की आवाज़ आई तो उन्होंने जो है कुछ कुछ छर्रे भी लगे हैं और एक आध लड़कों को हॉस्पिटल भी भेजा गया, हायर सेंटर में रेफ़र किया गया है। उसमें अज्ञात के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज है और एक सरबजीत सिंह है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस की कार्रवाई जारी है।